अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? कल की तस्वीरों को देख रहे हैं? हाँ, कल की तस्वीर कैसी लगी थी? अच्छी लगी हुई थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। वेरी गुड। किसको दिखाई थी घर में? मम्मा बाबा को दिखाई थी। वेरी गुड। दोस्तों को भी दिखाई थी, बताया था उनको कि क्या क्या तस्वीरें मौजूद हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टीचर को बताया था, बताया था। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको तस्वीर अच्छे से समझ में आ गई है ना भाई? और आज क्या करें? फिर जब तस्वीर देख ली थी तो क्या करना था? हाँ जी, तस्वीर की कहानी तो सुनानी थी मुझे कि भाई तस्वीर तो देख ली, उसमें गुब्बारे थे, उसमें गुलेल था, गुलेल थी और गरारा पहना हुआ था गानिया ने। तो हुआ क्या था भाई? क्या तकरीब थी? क्या हो रहा था? ये तो हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमने तो सिर्फ तस्वीर देखी थी, उसकी तो कहानी सुनी ही नहीं थी। तो आज हमने क्या करना है जी? आज हमने सुननी है कहानी। क्या सुननी है हमने? कहानी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं तस्वीर जी। ये तस्वीर मौजूद है यहाँ। तस्वीर में क्या है भाई? देखते हैं दोबारा से। गुब्बारे 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 किसके हाथ में है? गानिया के हाथ में। गानिया ने क्या पहना हुआ है? गरारा गरारा गरारा। गानिया ने पहना है गुब्बारा नहीं, गरारा। वेरी गुड। गुब्बारा तो उसके हाथ में है, गुब्बारा गरारा। वेरी गुड। यहाँ बिस्तर पे कौन बैठा हुआ है? गनी गनी। गनी के हाथ में क्या है? गुलेल गुलेल। और उसके बिस्तर के पीछे क्या रखा हुआ है? तकिया तकिया। क्या क्या गिलाफ, क्या चीज़ है ये? गिलाफ गिलाफ गिलाफ। ये क्या कहानी है, इसमें क्या हो रहा है? चले क्या करते हैं, सुनते हैं। बड़े मज़े की कहानी है, कहानी को सुनते हैं। खामोशी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आपने वो कहानी अपने दोस्तों को भी तो सुनानी है, मम्मा बाबा को भी तो सुनानी है कि भाई कहानी में है क्या, जो तस्वीर आपने दिखाई उसमें हुआ क्या था। अगर आप कहानी मेरी गौर से नहीं सुनेंगे, कहानी याद कैसे रहेगी, है ना? तो फिर सुना भी नहीं सकते दोस्तों को। तो आपने क्या करना है, आपने कहानी को गौर से सुनना है। चले सुनते हैं कहानी। गनी और गानिया आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज गानिया की सालगिरह थी। अच्छा, देखा, मैंने कहा था ना कोई तकरीब है, तो गानिया की सालगिरह थी। जब भी उसने क्या पहना हुआ था, याद है ना? हाँ, गरारा पहना हुआ था। वेरी गुड। चले आगे देखते हैं कहानी में क्या हो रहा है। गानिया आज गरारा पहनकर बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही थी ना, प्यारी सी लग रही थी। आज खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी थी। अच्छा, वो जो टेबल पे चीज़ें रखी हुई थी, और मेज़ पर बहुत सी अच्छी ग़िज़ाएँ रखी हुई थी। अच्छा, वो जो टेबल पे उस मेज़ पे रखी हुई थी, वो क्या थी? ग़िज़ाएँ ग़िज़ाएँ ग़िज़ाएँ। अच्छा भाई, ग़िज़ाएँ रखी हुई थी। गनी बिस्तर पे बैठा हुआ था और गुलेल से खेल रहा था। हाँ, इसी खेल कूद में उसके तकिए का गिलाफ भी आधा उतर गया था। उतर गया था ना। थोड़ी देर में गानिया हाथ में गुब्बारे लेकर कमरे में दाखिल हुई। हाँ, गानिया दाखिल हुई थी ना, गुब्बारे थे उसके हाथ में। गनी को शरारत सूझी और उसने गुलेल से निशाना लिया। फटाक, कैसी आवाज आई? फटाक। क्या हुआ एकदम से, जो गुलेल से निशाना लिया उसने, क्या हुआ देखते हैं भाई। फटाक की आवाज़ आई और गानिया का गुब्बारा फट गया। ओफो,
हानिया की तो सालगिरह थी और वो गुब्बारे लेकर आई थी। और गनी साहब ने गुलेल से मार के क्या कर दिया भाई, उसका गुब्बारा फाड़ दिया। ओ अब देखते हैं क्या हुआ आगे। ये देखकर गानिया रोने लगी। जहर सी बात है, मेरा गुब्बारा भी फटेगा तो मैं भी रोऊंगी ना। लेकिन गनी ने इसे जल्दी से चुप करवाया। हाँ अच्छा कि प्यारी बहन अम्मी को कुछ नहीं बताना, आप भी ऐसा करते हैं ना। हाँ मैं तुम्हें इससे भी अच्छे गुब्बारे ला कर दूंगा। हाँ अच्छे गुब्बारे आएंगे, नए नए गुब्बारे, फिर तो सही है भाई। फिर गानिया चुप हो गई, देखा गानिया भी चुप हो गई। और दोनों बहन भाई सालगिरह की तैयारी में लग गए। अरे वाह जबरदस्त, ये तो बड़े मजे की कहानी थी। अच्छा बच्चों बच्चों ये बताइए कि भाई इस कहानी में सालगिरह किसकी थी? किसकी सालगिरह थी? गनी की सालगिरह थी। फिर गानिया की सालगिरह थी, शाबाश। तो गानिया ने क्या पहना हुआ था? गरारा पहना हुआ था, शाबाश। अच्छा जी मेज़ पर क्या क्या रखा हुआ था? मेज़ पर क्या रखा हुआ था? किताबें रखी हुई थी। फिर गुलदान रखा हुआ था? नहीं। फिर मेज़ पर क्या रखा हुआ था? ग़िज़ाएं रखी हुई थी, शाबाश। अच्छा जी गनी ने किस चीज़ से गुब्बारा फाड़ा था? गुलेल से फाड़ दिया था, वेरी गुड। और उसके बाद गनी ने उसे क्या कह के चुप कराया था? गनी ने कहा था मैं तुम्हें और अच्छे गुब्बारे ला के दूंगा, शाबाश, वेरी गुड। भाई आपको तो कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखें हमारे पास मौजूद है ये दोबारा से सफ़ा मौजूद है। अब क्या करना है आपने? अब आपने निकालने कलर पेंसिल्स और मानना है आपने अपनी मानो बिल्ली का कहना जी, क्योंकि मानो बिल्ली कहती है रंग भरिए। अब आपने क्या करना है कि आपने इन तस्वीर में मौजूद ग़िज़ाएँ यहाँ रखी हुई है ना, ग़िज़ाएँ देखी थी ना, जो ग़िज़ाएँ बनी हुई हैं, इन ग़िज़ाओं पे, गुब्बारे पे, गानिया पे, गरारे पे, गनी पे, गुलेल पे और गिलाफ पे कलर करना है। अच्छे अच्छे कलर करेंगे, अच्छे अच्छे कलर करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें क्या बताएंगे जी? उससे पहले वीडियो बार बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। काम कंप्लीट कीजिएगा, कलर कर लीजिएगा और फिर टीचर को बताइएगा कि आज हमने बहुत मज़े की कहानी सुनी। कहानी सुनाइएगा, वॉइस नोट भेजिएगा और अपने इस काम की पिक्चर उन्हें सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।